किसी ने मुझे एक मैसेज किया, मैसेज करने वाला बंगाल के किसी छोटे से शहर में रहने वाला एक बच्चा था। उसने मुझे मैसेज किया था कि मुझे प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है पर घर में इतना बजट नहीं होता है कि मैं प्लांट्स खरीद सकूं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं ये तमाम ऑर्नामेंटल प्लांट्स मैं लगा सकता हूं और मेरे पैसे भी ना खर्च हों और मैं इनको लगा करके अपने शौक को पूरा कर सकूं। उसकी बात सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के बाद भी उसके मन की इच्छा है और वो चाहता है कि उसकी इच्छा किसी तरह पूरी हो, और मैंने उस खुद उसके लिए बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगाई हैं। जब वो तैयार होंगी तो मैं उसको जरूर भेजूंगी। फिर मुझे ये ख्याल आया कि तमाम ऐसे लोग हैं जो प्लांट्स में उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, खरीद के प्लांट नहीं ला सकते क्योंकि उनकी लाइफ में और जरूरी खर्चे भी हैं, वो चाहते तो हैं पर अपना शौक पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मैंने ये खास वीडियो बनाया है। इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप तमाम उन प्लांट्स की कटिंग को निकाल सकते हैं, मांग सकते हैं दूसरों से, अपने स्कूल से, अपने पार्क से, अपने यूनिवर्सिटीज से, अपने कॉलेजेस में माली से मांग के लें, या फिर किसी से पूछ करके आप उनको ला सकते हैं और उनको लगा करके आप अपने प्लांट का कलेक्शन भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप बारिश में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो करेंगे इसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करें। गार्डनिंग महज एक शौक ही नहीं है बल्कि धरती के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है। और आपके पास छोटा सा स्पेस है, बजट का कंस्ट्रेन है, पर अगर आप चाहेंगे तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती है प्लांट्स लगाने के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप खरीद के बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स ला करके लगाएं, वही गार्डनिंग है। गार्डनिंग का मतलब है कि आप अपने चारों तरफ एक हरा भरा खूबसूरत वातावरण तैयार करें जो आपको तो सुकून दे, आपको तो खुशी पहुंचाए, आपको सुबेरे उठने के लिए प्रेरित करे, साथ ही साथ उन पे पलने बढ़ने वाले जीव जंतुओं के लिए, बर्ड्स के लिए, तरह तरह के पॉलिनेटर्स के लिए भी हम उनको आहार प्रदान करें, उनको आश्रय प्रदान करें। क्योंकि धरती सिर्फ हमारी ही नहीं है, हमारा जितना उस पे हक है उतना ही और जीव जंतुओं का भी हक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्लांट्स लगाएं पर आपके शायद खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि आपका बजट अलाउ नहीं करता है, या फिर आपको लगता है अच्छी वैरायटी के प्लांट्स लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट की किस्में हैं जो अच्छी भी हैं पर वो आसानी से आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपके आसपास आपको वो ज़रूर दिख जाएंगी। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि उनको कैसे लगाना है। और एक और मेरी सलाह है कि अगर आपको प्लांट लगाना है और आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में कहीं पर वो प्लांट ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और आप उसको मांग सकते हैं, तो उसमें कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लांट्स को ले सकते हैं, प्लांट्स को अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद भी एक दूसरे से कटिंग शेयर करते हैं, एक दूसरे के संग बेबी प्लांट्स शेयर करते हैं, क्योंकि हमें भी ये ग्रीड होती है, लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हम लगा पाएँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर वैरायटी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खोजते हैं और वो आपको नहीं मिलती है, पर सडनली आपके रास्ते में किसी एक घर में कहीं एक रोड साइड पे वो अक्सर आपको दिखती है, और तो आपको उसको लेने में, उसको मांगने में झिझक नहीं दिखानी चाहिए बल्कि उसको लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट्स लगाने में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है आपको खुद को आत्मिक खुशी के लिए आप ये काम कर रहे होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात प्लांट लगाने की या गार्डनिंग की है कि ये आपका एक सुंदर मॉर्निंग रूटीन बनाता है। नॉर्मली आजकल हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं, और रिलेटिव से बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, और इन्हीं में हमारा ऑफिस का टाइम हो जाता है, हम भागते दौड़ते ऑफिस पहुँच जाते हैं, वर्क प्लेस पर पहुँच जाते हैं। पर अगर आपने प्लांट्स लगा रखे होते हैं तो सुबह उठ के सबसे पहले आपको लगता है कि नहीं, गर्मी बहुत है, बाहर जाके पानी डालना है, आपने प्लांट को वाटरिंग करनी है, प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड किया, साफ़ सफ़ाई की, जहां प्लांट्स रखे हैं उस एरिया की साफ़ सफ़ाई आप करते हैं, आपका एक खूबसूरत पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन बनता है, आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह है कि अगर कई बार आपको लगता है कि आपके पास ज़रूरी खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने शौक़ को मारिए नहीं। और कुछ ऐसे प्लांट इस वीडियो में मैंने बताए हैं जिनको कि आप लगभग बिना किसी कॉस्ट के बारिश के दिनों में अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि बरसात की एक खूबी है कि ज़्यादातर प्लांट की आप स्टेम कटिंग्स अगर लगा देंगे तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो इसलिए
अब ये दलील मत दीजिए कि आपके पास बजट नहीं है, आप प्लांट नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट बताती हूँ जो आप अगर अरेंज कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको नो कॉस्ट में वो प्लांट मिल जाएंगे, और आप लगा करके और 2 महीने की बारिश के मौसम में वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो जाएंगे कि आपकी जो बैल्कनी है, आपका जो गार्डन है, आपका जो एरिया है, वो हरियाली से भर उठेगा। चंपा को प्लमेरिया या फ्रेंजीपैनी भी कहते हैं, और खूबसूरत खुशबूदार फूलों वाला ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत और एग्जॉटिक लुकिंग होता है। इसके स्टेम की जो बनावट है और इसके पत्तियों का जो विन्यास है, उसकी वजह से ये लैंडस्केपिंग में 4 चांद लगाता है। इस प्लांट को आप बिना किसी भी लागत के आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रोड साइड्स पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, घरों में, ग्रीन बेल्ट के बाहर, होटल्स में और बहुत सारी जगहों पर इसका प्लांट लगा होता है। किसी भी बड़े प्लांट की अगर आप 1-2 टहनी ले लेंगे तो आप उसको ला करके अपने घर में गमले में लगा दें, और बारिश के मौसम में इसमें बहुत जल्दी रूट निकलती है, इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से आप कटिंग्स को निकाल लें, और इसमें जो आप कटिंग करेंगे तो इसका जो सैप होता है वो आपके स्किन में इरिटेशन उत्पन्न कर सकता है और पॉइजनस भी होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप फिर आपका हाथ आपके मुंह में ना लगे, और स्किन से अगर इसका कांटेक्ट होगा तो इचिंग हो जाएगी। इसको लाने के बाद सीधे मिट्टी में आप इसको खोज दें, और खोसने के बाद बारिश हो रही हो तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो 2-3 दिन में 4 दिन में एक बार इसमें थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि अगर इसकी कटिंग को लगने से कोई रोकता है तो वो पानी रोकेगा, और उसकी वजह से इसका जो स्टेम होता है वो रॉट हो जाएगा, आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। पानी का ध्यान रखें, इसको ला के लगाएं। जितनी बड़ी आपको कटिंग मिल जाए, जितनी बड़ी आपको टहनी मिल जाए, उतना ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा प्लांट आपका तुरंत रेडी हो जाएगा। लाने के बाद इसको अच्छे साइज़ के गमले में लगाएं, 12 इंच से बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि ये एक बड़ा प्लांट होता है और अच्छे गमले में लगा देंगे आप तो आपको इसको फिर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, और ये प्लांट सीज़न में बहुत ही अच्छे से फूल देता है। इसके गुच्छों में खिलने वाले फूल बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार होते हैं, साथ ही साथ आप अगर पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो भी आप इनका इस्तेमाल बहुत आयत से कर सकते हैं। नर्सरी से ख़रीदने को इच्छुक हों तो इसकी जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेट में मिलती हैं। सिंपल जो वाइट या लाइट येलो कलर की वैरायटी हैं वो कम कीमत में, यानी कि 100-150 रुपए में मिल जाएंगी, पर जो मरून, रेड या इस तरह की एक्जॉटिक वैरायटीज़ हैं वो 300-500 इस तरह की कीमत में आपको मिलेंगी। अगला प्लांट वैंडरिंग ज्यू है। वैंडरिंग ज्यू को आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं और कैरियों में, प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, और ये एक लता होती है और जिसकी जो टेंडेंसी होती है, अगर दीवार के सहारे लगी है तो ये उससे उस चिपक के ऊपर चढ़ेगी, अदरवाइज़ अगर आपने बास्केट में लगाया है तो ये नीचे की तरफ ट्रेल करती है। और इसकी भी अगर आपको एक भी स्टेम मिल जाए तो उस स्टेम को आप छोटे छोटे 2-3 टुकड़ों में डिवाइड करके और इस तरह से पॉट्स में खोंस दें, और बारिश के मौसम में ये तेज़ी से फैलती है। बस ये ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में अगर रेगुलर बारिश हो रही है तो आपको उसमें पानी नहीं डालना होगा, क्योंकि पानी से ही ये ख़राब होती है, और अगर पानी कम पड़ेगा आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो होगी, और जैसे ही ह्यूमिडिटी वातावरण में बढ़ेगी ये एकदम से बुरी तरह से फैलने लगेगी, और जल्दी ही कुछ ही दिनों में, 1-2 महीनों में ये पूरे बास्केट को अच्छे से कवर कर लेगी। पर ये प्लांट भी आप बिना किसी कॉस्ट के ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इवन जब आप नर्सरी में जाएं और प्लांट्स की शॉपिंग करें तो उससे इसकी एक आध स्टेम मांग लें, क्योंकि अगर आपने प्लांट की शॉपिंग की है और तो आपका इतना राइट बनता है, और आप उससे रिक्वेस्ट करें कि आपको वो एक स्टेम बस दे दे, इसको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है पैसे दे करके, आप उनसे मांगें वो आपको एक स्टेम तो प्रोवाइड करा ही देंगे, उन्हीं को ला करके आप लगा सकते हैं। तीसरा बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला प्लांट कैलेजिया रिपेंस, टर्टल वाइन या फिर क्रीपिंग इंच प्लांट है, और ये प्लांट भी जो लोग हैंगिंग बास्केट्स लगाते हैं वहाँ पर आपको उनके यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसकी जो पहचान है वो ये नीचे शेंडिलियर्स की तरह इसकी जो ट्रेल्स होती हैं वो आती हैं, और बास्केट में पूरा ये भर करके बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, और ये एक तरह का वीड होता है, इसलिए अगर एक बार आपके पास आ जाएगा तो शायद ही कभी जाए, क्योंकि किसी न किसी पॉट में, कहीं ना कहीं क्यारियों में ये आपको उगता दिखाई दे जाएगा। और एक बार बस आप इसकी छोटी सी एक 3-4 इंच की भी स्टेम ले आएंगे तो बारिश के दिनों में ये बुरी तरह से फैल जाएगा।
इसकी एक और वैरायटी होती है जिसके लीव्स छोटी होती हैं और पर्पल पीछे कलर होता है और ऊपर डार्क ग्रीन कलर होता है, और ये भी देखने में सुंदर लगती है। ये लंबी वाली ट्रेल्स वाली टर्टल वाइन जो कि ग्रीन कलर की होती है, उसके विपरीत ये पॉट में ऊपर की तरफ भर जाती है। तो आप इसको अगर प्लांटर्स में भी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा डोम शेप ले लेती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत आकर्षक लगता है। और इसके साथ ही अगर आप बास्केट्स में लगाएंगे तो भी ये ऊपर की तरफ अच्छा सा डोम शेप ले लेती है। और आजकल जो फेस वाले प्लांटर्स चलते हैं उनमें अगर आप ये लगाएंगे तो ये बड़ा ही नेचुरल कर्ली हेयर का लुक देती है और देखने में अच्छी लगती है। जिनके भी यहाँ आप देखेंगे हैंगिंग बास्केट्स वगैरह ज़्यादा लगे होंगे उनके पास ये प्लांट ज़रूर होता है, और ऑलमोस्ट सभी लोग इनको बारिश के सीज़न में बहुत सारा अपने घरों से निकालते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से हर पॉट में हर प्लांटर में फैलने लगती है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा रहता हो जिसके हैंगिंग बास्केट्स में ये प्लांट लगे हों तो आप उनसे थोड़ा सा भी अगर ये मांगेंगे और इस तरह से ला करके, आपको वो लगाना भी नहीं है, आपको पॉट में बस इसको फेंक देना है और ये जैसे ही इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा ये बुरी तरह से फैल जाएगा। इसके साथ ही स्वीट पोटैटो वाइन भी एक ऐसा क्रीपर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है बारिश के दिनों में। इसकी ऑलमोस्ट एवरी डे आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने मिलती है, एक दिन में ही इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ होती हैं। उनको भी अगर आपको कहीं से अरेंज हो जाए एक डेढ़ इंच की स्टेम तो आप उसको ला करके और लगा सकते हैं। और अगर आप इसका एक छोटा प्लांट ख़रीदना भी चाहें तो ये 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए में पॉली बैग्स में मिल जाएगा और उसको ला करके आप लगा लें, और फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाए इस तरह से स्टेम्स को निकाल करके और मिट्टी में खोंसते जाएं और धीरे धीरे करके आपके पास इसके बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। ये आपकी जो गार्डन है, आपकी जो बैल्कनी है, उसमें इतना कलर ऐड करते हैं और इतना उसको खूबसूरत लुक दे देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत ही सस्ता प्लांट है, इवन नर्सरीज़ में भी आपको पॉली बैग में ये 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और बहुत ही छोटा सा आप लाइए, उसके बाद आप इसको इसके हज़ारों प्लांट बनाइए। यानी कि स्नेक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसको कि आप कहीं से भी निकाल करके अगर उसकी एक छोटा सा प्लांट लेते आएँ तो ये धीरे धीरे करके आपके पूरे प्लांटर में भर जाता है। और अगर आपको प्लांट डिवाइड करके निकालने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसकी लीव्स की कटिंग्स ला सकते हैं। ये प्लांट इस तरह से देखिए लीव्स से भी ग्रो हो जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये लीव मैंने लगाई थी, अब देखिए इसमें रूट हो गई है और धीरे धीरे ही जब ये मिट्टी में दबी रहेगी तो इसमें से साइड से नए प्लांट्स बनने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में डिवाइडर्स पे और बहुत सारी जगह पार्क्स वगैरह में स्नेक प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, और वहीं से आप उसका एक स्टेम निकाल करके लाएं और उसको लगा लें, क्योंकि नर्सरीज़ में स्नेक प्लांट जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, पर जहाँ पे हमें अगर कहीं पर भी ये दिखे तो हम लोगों से मांग भी सकते हैं अगर किसी के घर में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही घना स्नेक प्लांट लगा हो। ट्रेडिस कैंटिया पलीडा यानी कि पर्पल हार्ट भी एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट आप नो कॉस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के घरों में जिन जगहों पर ये लगा होता है थोड़े समय बाद ये अनरूली होने लगता है और उसकी ब्यूटी ख़राब होने लगती है, तो उन वो तमाम लोग फिर इसकी प्रूनिंग करते हैं, अच्छे से इसकी कटिंग करते हैं और इसको दोबारा रीपॉट करते हैं, इसको दोबारा इसको फ्रेश लगाते हैं। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आप अक्सर पाएंगे कि जिनके यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा लगा होता है वो डिस्कार्ड करते हैं, वो हटाते हैं, और ऐसे में आप या फिर आप किसी पार्क में जाएं, किसी जगह पे जाएं और इसको लगा हुआ देखें तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसकी 2-3 स्टेम 4 स्टेम तोड़ लेनी है और फिर उसको ले जा कर के मिट्टी में लगा देना है और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसके लगभग हर 10वें दिन ढेरों प्लांट बनाएं। इसके साथ ही रोहो भी एक ऐसा ही प्लांट है जो आपको अक्सर बहुत सारी जगहों पर दिख जाएगा, और नॉर्मली ये पॉट्स में लगा होता है और पूरी तरह से पॉट्स में भर चुका होता है। ऐसे में अगर आप इसकी कॉर्नर से 1-2 स्टेम सफाई से इस तरह से निकाल लें और उसको ला करके अपने यहाँ लगा दें तो धीरे धीरे करके ये प्लांट बड़ा होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए। साथ ही साथ आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।